दूसरा के हरावे खातिर खड़ा हो। हाँ वो लोग के सिद्धांत ही रहेला कि ना खाएं ना खाए दें हम गीजे। तब तो बुझाइए गए कि हम केकर बात करतनी। तो चलिए देखल जाओ भुटकाटवा प्रत्याशी के। ना जीतेंगे ना हारेंगे, दूसरों का वोट मारेंगे। ना जीतेंगे ना हारेंगे, दूसरों का वोट मारेंगे। अच्छा तो माना जब पहले ही पता बा कि हम ना जीते तो झूठो खानी खड़ा होके वोट काटला से लोग के फायदा बा कौन? देखा फायदा होके चाहे ना होके लेकिन चुनाव में खड़ा भइल हमार कर्तव्य बा बाबू। काहे कि हमने के खालदानी चलत आवता का खालदानी चलता। हाँ ये खालदानी चलता। हमार बाबा रहे बाबा हमार चुनाव लड़ते लड़ते सारा खेत बेच के चुनाव लड़ गए। फिर हमार बाबू के राजा उत्ता हना चुनाव लड़ने के घर द्वार सब बेच दिल। तो फिर रउआ खाली तो कुछ बचबे ना कोयल रउआ का बेच के लड़ता नहीं। हाँ तो हम क्या बेची अब तक कुछ बाँचल ना बेचे खाती तो हम अपना बाबूए के बेच के चुनाव लड़त का। तो बात ये है कि हमार बाबू तो घर द्वार बेच के चुनाव लड़ गए ले। हमार बाबू तो घर द्वार बेच के चुनाव लड़ गए ले आ चुनाव में हार गए तो दांत चियार के मर गए। हाँ तो का कोई नहीं के उनका के ले जाके सारा पार्ट पुर्जा उनका बेच देनी एकदम नीमन रेट में बेचाए। बस खाली तनी लीवर सरा ले ले रहे महुआ पीपी के न तो बाकी सब एकदम टनाटन रहे। हाँ बढ़िया भाव मिलल उ तो वही पैसा से हम हर साल के भांति एहू साल खड़ा भइल बनी। तो सपोर्ट करी लोगन। अंत में हम इतने कहें कि ये छोटी तहरा चोटी से चोट लगता आ हई वोट काटवा मुखिया रुवलो से वोट मांगता। ना जीतेंगे ना हारेंगे, दूसरों का वोट मारेंगे। वाह माने के पड़ी बहुत उच्च विचार बा। तो देखिए